वो सो समतोला के इस अभ्यास में वानर बैठक हम लगाएंगे जो कि चारों दिशाओं की ओर। जय दोस्तों, जय माकल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह और क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज क्षत्रिय प्रणाम के अभ्यास में समतोले से आज अपन अभ्यास करेंगे, जिसके अंदर आज को मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा कि समतोले से बैठक कैसे लगाए। जैसे कि अपने पूर्वज पहले लगाया करते थे क्षत्रिय प्रणाम का अभ्यास करते हुए बैठक, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस अभ्यास में आपके शोल्डर का जितना लेवल है बस उतनी लेवल के आपके पैर खुले रहना चाहिए, और सबसे पहले समतोला को इज्जत देते हुए यानी उसके पैर पड़ते हुए उसको धारण करना, फिर उठाओ। इस अभ्यास में दोस्तों जब आप नीचे जा रहे तब आपकी श्वास बाहर जाना यानी कपालभाति, और उड़ते वक्त श्वास खींचना, और अपने दोनों हाथों को अलग अलग तरीके से घुमाते हुए बैठक मारना इसका। जैसे कि स्टार्ट करो, ये देखिए दोस्तों श्वास एकदम बाहर फेंकते हुए, इससे स्पेशली दोस्तों आपकी फसलियों में यानी आपके रिबकेज में ज़्यादा असर होगा, स्पाइन में एकदम लचीलापन आएगा, साथ ही साथ आपके थाइस मसल के ऊपर डेवलपमेंट होगा इसका, आपकी कलाई आपका शोल्डर एकदम मंथन हो जाएगा, और आपके आंतड़ियों के अंदर तो जैसे कोई लस्सी घोटते हैं या वॉशिंग मशीन के अंदर देखेंगे वैसा एक मंथन होगा। किसी को भी गैस की शिकायत, मधुमेह की शिकायत, उक्त रक्तचाप की शिकायत इससे 100% दूर रहेंगी। ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों, इसको करने के लिए जिगर चाहिए। समतोला के इस दूसरे अभ्यास में, दूसरे बैठक में, वानर बैठक का एक और रूप जिसके अंदर आपको चारों दिशाओं में गोल घूमते हुए बैठक लगाना है। जिस तरह से दोस्तों क्षत्रिय प्रणाम के यानी समतोला अभ्यास के दूसरे अभ्यास में, इसके अंदर आपको अपने पैर थोड़े से दूर रखने हैं, थोड़े से दूर रखकर श्वास बाहर फेंकते हुए आपको आराम से बैठना है। इसमें जल्दबाजी नहीं, आराम से बैठो श्वास बाहर फेंकते हुए, और इसको साइड की तरफ झुकना है कुंभक लगाते हुए, फिर वापस से आपकी कमर सीधी करके श्वास खींचते हुए यानी भस्त्रिका लेते हुए ऊपर उठना है। सेम इसी प्रकार से दूसरी तरफ बैठते हुए श्वास बाहर फेंकते हुए झुकते हुए साइड में, फिर वापस से कमर सीधी ऊपर भस्त्रिका खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए बाहर। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो मोटापे से जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं और जिनके कमर में ज़्यादा दर्द होता है, बैठे बैठे जल्दी थकान आ जाती है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। इसके मैं फ़ायदे आपको और आने वाले वीडियोस में बताते रहूँगा, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों इसका अभ्यास आप बिना श्वासों पर ध्यान दिए मत कीजिए, क्योंकि श्वास ही इसके अंदर महत्वपूर्ण है।